आप सभी को मेरी ओर से जय गौ माता। तो हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत गौ माता के साथ, और बस हमारा रोज का यही काम है, बाहर निकले और गौ माता दिखाई दी तो बस एक रोटी ज़रूर खिलाते हैं, तो वो भी मुझे देखकर गेट के अंदर आने लगती हैं या ऊपर दिखाई देते हैं, हम तो नीचे से ऊपर देखने लगती हैं, तो बस हम भी एक ना एक रोटी देते ही रहते हैं जितनी बार बाहर निकलते हैं, और बस हमारा यही काम, एक रोटी तो ज़रूर देंगे। और मैं किडनी लीवर की वजह से बार बार जीना उतर चढ़ नहीं सकती, तो कुछ बार नीचे आके दे देती हूँ और कुछ बार ऊपर से ही डाल देती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लगता होगा और मुझे भी लगता है बुरा, तो लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। तुलसी विवाह और देव उठनी ग्यारस में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ मेरी ओर से। तो आज होगा तुलसी माता का विवाह। हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब, आशा करते हैं खुश होंगे स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में, और आज ये देव उठनी ग्यारस, तो मेरा भी व्रत है। तो आज सुबह में नहा धो के 6 बजे हो गई थी फ्री, फिर मंदिर भी गए और फिर घर का पूजा पाठ भी किया और टिफिन भी लगाया, साबूदाना की खिचड़ी बनाई और अब बच्चों को बनाएंगे खाना। तो ये बन गई है दाल, और आज 11 से तो चावल तो बना नहीं सकते, और ये हमारी धनिया देखिए 3-4 दिन हो गए हैं इसको, तो बस इसी देसी जुगाड़ से रखती हूँ मैं धनिया को, जड़ें डाल देती हूँ पानी में और थोड़ा थोड़ा निकालती रहती हूँ, तो इतनी निकाल ली है मैंने, 4 दिन हो गए हैं, और अब देखिए ये भी हरी हरी है, और जो छोटी छोटी थी वो निकलती आ रही है घर से ताज़ी ताज़ी। तो आज ही तुलसी विवाह, तो तुलसी माता को मैंने हल्दी लगा ली है, और सुबह लगाएंगे पूजा करेंगे जब माहौर, और पूरा श्रृंगार कर देंगे चूड़ियाँ बिंदी लगा के। तो आ जाइए हमारी माता बहनें, जिन्होंने 11 का व्रत किया हो और जिन्होंने ना किया हो, तो आइए और लगाएंगे हम सब माहौर। तो मैंने हल्दी लगा ली है पैरों में, अब बस माहौर लगाएंगे, तो आप लोग भी आ जाए। तो मैंने तो लगा लिया है माहौर, और सिंपल तरीके से ही लगाया है, फैल रहा था, नहीं तो मैं डिजाइन में लगाने वाली थी, लेकिन देखिए कुछ बिंदी खुली हैं और कुछ बंद हो गई हैं, तो फिर मैंने ऐसे ही लगा लिया। ये रहा 5 बजे का सूरज, और ऐसे लग रहा है जैसे 6 बजने वाले हों, शाम सी हो गई है बिल्कुल, और शाम भी बहुत जल्दी हो जाती है।
तो बस अब थोड़ी देर से बनाऊंगी मैं दीपक, फिर जाऊंगी मंदिर दीपक रखने, आंवले के पेड़ के नीचे, कदम के पेड़ के नीचे और बेल के पेड़ के नीचे और पीपल के पेड़ के नीचे और शिव मंदिर में और कृष्ण मंदिर में और तुलसी के यहाँ, ऐसे करके 10-11 दीपक बनाऊंगी और सब जगह रखते आऊँगी। और आज फिर मैंने व्रत रख लिया है क्योंकि साल भर में एक बार तो होती ही है देवउठनी ग्यारस, और वैसे तो करना था मुझे हर 15 दिन में ग्यारस का व्रत, लेकिन तबीयत की वजह से नहीं कर पाई, तो बस मैंने सोचा ये तो कर लूँ, अब देखते हैं, नहीं तो जब जब व्रत करते हैं तो बस दूसरे दिन से काम की ही नहीं रहती हूँ, बीमारी हो जाती हूँ। जय भोलेनाथ। आ गए हैं तो हम शिव मंदिर सबसे पहले दीपक जलाने, तो यहाँ शिव मंदिर में आरती करेंगे और फिर बाहर भी बैठे हैं भगवान भोले जी और माता पार्वती जी और विष्णु भगवान भी हैं, तो वहाँ भी दीपक रखूँगी। और इधर सॉन्ग चल रहा था भोलेनाथ का, तो मैंने कॉपीराइट की वजह से आवाज़ बंद कर दी है। और देखिए शाम के समय शिव जी कितने अच्छे लगते हैं, साफ़ सफाई करके कपड़े पहना देते हैं। और ये हैं नंदी जी शिव जी के सामने, और अब चलेंगे बाहर। तो ये हैं विष्णु भगवान और भोले जी और माता पार्वती जी, और एक और हैं तो मुझे पता नहीं कौन से भगवान हैं। तो बस यहाँ भी आरती करूँगी मैं, और यहाँ के बाद यहीं मंदिर में ही तुलसी का पेड़ लगा है, केले का लगा है और कदम का लगा है और बेल का भी लगा है, तो उधर भी सब में दीपक जला दिए थे मैंने, और पीपल के वृक्ष में भी लगा दिए थे दिए। तो अब आ गई हूँ मैं माता रानी के मंदिर, और माता रानी ने मुझे आज बुला लिया है, नहीं तो शिव मंदिर के पीछे है ये मंदिर, तो यहाँ तो बहुत कम आ पाती हूँ और जल्दी से गेट बंद भी हो जाते हैं यहाँ के, तो मैंने अचानक से सोचा कि यहाँ भी देख लें अगर गेट खुले होंगे तो फिर हो गई है, यहाँ भी चला दूँगी दीपक जला दिए हैं और मंदिर से आ गई हूँ मैं। तो मंदिर से आने के बाद की है मैंने घर की संध्या, तो गेट पे भी दोनों जगह दीपक जला दिए हैं, तुलसी माता के यहाँ भी जला दिया है और भगवान के यहाँ भी जला दिया था, और नीचे एक छोटा सा मंदिर है शिव जी का, तो वहाँ भी जला दिया था। और देखिए पूरे में सब लोग अपने अपने गेट पर दिए जलाए हैं, और दीपावली का ये आखिरी दिन था, तो दीपक की रोशनी की तरह सबकी ज़िंदगी में उजाला रहे। तो यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलूंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।